Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I am Amir Isaac from Biology Department, Star Institute, Lahore. So students, again, welcome to another very important discussion of a very important unit, number 5, coordination and control. So all the answers with complete discussion, हम इसको पूरी तरह से इंशाल्लाह जी आज क्लियर करेंगे और इसमें जितने भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कॉन्सेप्ट्स हैं इंशाल्लाह वो पूरी कोशिश करेंगे कि क्लियर हो और अगर इन केस आप लोगों के फर्दर कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग फिर लास्ट पे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके हर क्वेश्चन का मुकम्मल आंसर आपको मिले सो क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर्स फंक्शन बोथ एज न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन्स डिक्रीजिंग आवर परसेप्शन ऑफ पेन ये पास पेपर का क्वेश्चन है ये 2020 अभी जो रिसेंटली आप लोगों का पिछले साल पेपर हुआ था पीएमसी के अंडर ये उसमें क्वेश्चन आया था और इसमें भी अगेन बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी आई क्योंकि इसमें जो हमारे पास ऑप्शंस है नी अल्फा एपिनेफ्रिन सबका जो आंसर था मोस्टली स्टूडेंट्स का वो यही था स्पेशली जिन्होंने पंजाब टेक्स्ट बुक पढ़ी थी और फेडरल की बुक को टच नहीं किया था बिकॉज हमारी बुक के अकॉर्डिंग ये जो अल्फा बीटा चार्ली है एपिनेफ्रिन सीरोटोनिन डोपामिन ये तो मौजूद है यानी पंजाब टेक्स्ट बुक में लेकिन जो डेल्टा ऑप्शन एंड ऑर्फिन है ये पंजाब टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी वर्ड नहीं लिखा हुआ और इसमें अगर हम अल्फा बीटा चार्ली की बात करें तो जो सीरोटोनिन और डोपामीन है ये डेफिनेटली जस्ट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं हार्मोन्स नहीं है तो इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने आंसर दिया था अल्फा एपिनेफ्रिन जो कि एड्रीनालिन का दूसरा नाम है और ये डेफिनेटली न्यूरोट्रांसमीटर भी है और हार्मोन भी है बट एक्चुअली द आंसर इज डेल्टा ऑप्शन एंड ऑर्फिन्स उसकी रीजन अब आप लोगों को थोड़ा सा मैं मैकेनिज्म समझाता हूँ बेसिकली हमें सिर्फ ये नहीं देखना था कि कौन न्यूरोट्रांसमीटर भी है और हार्मोन भी है साथ ये भी देखना था कि कौन डिक्रीज करता है परसेप्शन ऑफ पेन को तो उसमें फिर आपको फेडरल की बुक हेल्प करती है इसमें जब आप लोग ये अब देखें मैकेनिज्म है अब आपको थोड़ा सा समझा दूं इसका ताकि नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह की कोई बात पूछी जाती है या क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर गलत ना हो इसमें आप लोगों को कुछ साइनैप्स एरिया नजर आ रहा है यू नो कि एक तरफ प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन है एक तरफ पोस्ट साइनैप्टिक के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं ठीक है और इसी तरह से जो प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन का जो नॉब एरिया होता है वहां पर आपको पी सबस्टांस ये जो ग्रीन कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये आपको पी सबस्टांसिस हैं जो कि इस येलो बॉक्स में लिखा हुआ है कि सबस्टांस पी इज अ न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन द पेन रिस्पॉन्स यानी ये पेन रिस्पॉन्स का बायस बनेगा लेकिन पेन को किल कौन करेगा पेन को खत्म कौन करेगा वो एंड ऑर्फिन होगा जो सेकंड बॉक्स में लिखा हुआ है एंड ऑर्फिन्स आर रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड और ये भी याद रखना फिर कि ये हार्मोन किस ग्लैंड का है पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन इन ऑर्डर टू ब्लॉक द पेन परसेप्शन ये किस तरह से अब देखें तीसरा जो बॉक्स है उसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको समझाया गया है कि एंड ऑर्फिन्स बाइंड टू द ओपिएट रिसेप्टर्स पहली बात तो ये कि ये उन रिसेप्टर्स के साथ जो कि प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन पर होते हैं पोस्ट पर नहीं पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर्स हैं वो पी सबस्टांस को रिसीव करके पेन का बायस बनेंगे बट जो प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स हैं इनको हम ओपिएट रिसेप्टर्स का नाम देते हैं इनके साथ आकर एंड ऑर्फिन बाइंड करेगा और जैसे ही ये बाइंडिंग होगी तो आगे लिखा हुआ है कि एंड ब्लॉक द रिलीज ऑफ सबस्टांस पी तो ये पी सबस्टांस को इस न्यूरॉन से रिलीज होने नहीं देगा और उसको रोक देगा जिसकी वजह से जब वो आगे पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स पर अटैच नहीं होंगे तो पेन होना बंद हो जाएगी तो दैट्स व्हाई कौन था इनमें से जो न्यूरोट्रांसमीटर भी है और हार्मोन भी है और पेन को डिक्रीज करता है तो आंसर इज द डेल्टा ऑप्शन एंड ऑर्फिन उम्मीद आपको सारी बात समझ आ गई होगी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ विच बॉडी फंक्शन इज कंट्रोल्ड थ्रू पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी आपके सिलेबस के अंदर दो तरह के फीडबैक आप लोगों ने उसको डिफरेंस के तौर पर पढ़ना है एक पॉजिटिव फीडबैक एक नेगेटिव फीडबैक ऑप्शन पहले देख लेते हैं हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें हमें कुछ प्रोसेसेस बताए गए हैं और हमें ये पूछा गया है कि इनमें से पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कौन से वाला है अल्फा लेबर कंट्रैक्शंस जिसको हम लेबर पेन भी बोलते हैं जो कि यूट्राइन वॉल में कंट्रैक्शन होती है मसल्स की ऑक्सीटोसिन की हेल्प से या उसके एक्शन की वजह से बीटा ऑप्शन में लिखा हुआ है बॉडी टेम्परेचर जिसमें आपको पता है कि इसमें स्पेशली जो आप लोगों का जो रिलेट करेगा मैकेनिज्म वो है आप लोगों का कूलिंग मैकेनिज्म या फिर सम टाइम वार्मिंग मैकेनिज्म जिसमें आपका थर्मोस्टेट हाइपोथैलेमस स्पेशली रोल प्ले करता है चार्ली लिखा हुआ है इंसुलिन प्रोडक्शन ग्लूकोज के हवाले से जो ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज करता है और इसी तरह से थायरोक्सिन जो कि आप लोगों की बॉडी में हीट प्रोडक्शन का बायस भी बनता है और इसको हम लोग फिर नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस से रिलेट करते हैं अब हमने इसमें आंसर देना था फीडबैक मैकेनिज्म में पॉजिटिव कौन सा है पहले आप देख लें थोड़ा सा डिफरेंस पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक एक्चुअली मैं अब आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं
पहले तो नेगेटिव फीडबैक की तरफ आते हैं जो कि होम्योस्टेसिस से रिलेटेड है, यानी कि टेम्परेचर रेगुलेशन की बात हो रही है कि अगर इन केस आपकी बॉडी का टेम्परेचर एक्सीड करना शुरू करता है 37 से, तो फिर आपके अंदर कूलिंग मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा ताकि बॉडी का टेम्परेचर नीचे आए, और इसमें स्पेशली स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट किया जाएगा। बट स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट होकर टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ था उसको बढ़ाएंगी नहीं, बल्कि स्वेटिंग की वजह से आपको कूलिंग इफेक्ट फील होगा और आपकी बॉडी का टेम्परेचर नीचे आएगा। तो इस तरह का जो फीडबैक होता है उसको हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं, यानी वार्म्थ अगेंस्ट कोल्ड एंड कोल्ड अगेंस्ट वार्म्थ। तो इसका मतलब फिर इन चार ऑप्शंस में से जो बीटा ऑप्शन था बॉडी टेम्परेचर, ये तो निकल गया। और इसी तरह से जो दूसरी तरफ हमारे पास चार्ट बना हुआ है या एक छोटी सी जो है वो आउटलाइन सी ड्रॉ की हुई है साइक्लिक फ्लो की फॉर्म में या साइक्लिक व्यू में, उसमें आपको पॉजिटिव फीडबैक एग्जांपल दी गई है चाइल्ड बर्थ के हवाले से। ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है जी, बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही हेड ऑफ बेबी पुशेस अगेंस्ट सर्विक्स, दैट इज द ओपनिंग ऑफ यूट्रस, तो उसको जब ये पुश करता है उसका हेड, तो वहां से फिर क्या होता है, नर्व इंपल्स फ्रॉम सर्विक्स ट्रांसमिटेड टू ब्रेन। ब्रेन फिर क्या करता है, स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट द ऑक्सीटोसिन, और फिर ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, कैरिड इन ब्लड स्ट्रीम टू द यूट्रस, और उसके बाद फिर उसकी वो कंट्रैक्शन करना शुरू कर देगा। तो जितना ज्यादा ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा उतनी ज्यादा कंट्रैक्शन होगी, यानी इसका मतलब एक प्रोसेस ने जिस प्रोसेस को शुरू किया था या जिसकी वजह से एक प्रोसेस शुरू हुआ था, वो जैसे जैसे ज्यादा होगा वो हार्मोन की रिलीज भी ज्यादा होगी और वो प्रोसेस मजीद से मजीद ज्यादा होता जाएगा। तो डेट्स वाई इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। तो इसमें फिर वो अल्फा हमें आंसर मिल गया, लेबर कंट्रैक्शन। अब जो चार्ली लिखा हुआ है इंसुलिन प्रोडक्शन, यू नो के हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा तो ये प्रोड्यूस होकर उसको लो करेगा, इसका मतलब ये भी क्या है, एक तरह से नेगेटिव फीडबैक। और थायरॉक्सिन कब रिलीज होगा, जब आपकी बॉडी के अंदर कोल्ड स्ट्रेस आएगा, जितना ज्यादा कोल्ड स्ट्रेस आएगा उतना ज्यादा थायरॉक्सिन रिलीज होगा और उतनी बॉडी में हीट ज्यादा पैदा होगी। तो अगेंस्ट बात भाई, यदि कोल्ड अगेंस्ट वार्म्थ एंड वार्म्थ अगेंस्ट कोल्ड, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो अ नेगेटिव फीडबैक। तो हमारे पास आंसर पे हुआ जी अल्फा, लेबर कंट्रैक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू ऑल न्यूरॉन्स, कौन सी चीज है जो हर न्यूरॉन के अंदर इनमें से मौजूद है। अल्फा, अ सेल बॉडी विच कंटेन्स अ न्यूक्लियस, यस जो सेल बॉडी है। अब अगर आप देखें ये तीन न्यूरॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, तो इन तीनों के अंदर आपको जो चीज नजर आ रही है वो डेफिनेटली सेल बॉडी है, जिसमें तीनों की सेल बॉडी में न्यूक्लियस भी मौजूद है। तो इसलिए आंसर हमें मिल गया अ सेल बॉडी विच कंटेन्स अ न्यूक्लियस। अब जो बीटा ऑप्शन भी लिखा हुआ है थिक माइलिन शीथ, वो आपको सेंसरी में नजर आ रही है, मोटर में भी नजर आ रही है, बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन इंटर न्यूरॉन्स, दे आर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। इसी तरह से प्रेजेंस ऑफ नोड ऑफ रेनवियर भी उसी में सिर्फ होगा जिसमें माइलिन शीथ होगी, और शवान सेल ही से ये माइलिन शीथ बनती है, तो डेट्स वाई वो भी सब में मौजूद नहीं है। तो आंसर इज द अल्फा, अ सेल बॉडी विच कंटेन्स अ न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, न्यूरॉन्स आर सेल्स अडॉप्टेड फॉर द रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस, टू डू दिस दे हैव लॉन्ग थिन प्रोसेस, यानी वो लंबा सा प्रोसेस जिसके थ्रू इम्पल्सिस इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस की फॉर्म में रैपिडली मूव करके आगे जाती हैं, तो वो इनमें से कौन है, क्या वो एक्सॉन है, अल्फा ऑप्शन, बीटा क्या डेंड्राइट्स, चार्ली क्या माइलिन शीथ, या डेल्टा शवान सेल। अब ये डायग्राम आपको नजर आ रही है जी, टिपिकल एक मोटर न्यूरॉन की, और इसमें डेंड्राइट्स हैं, सेल बॉडी है, लेकिन जो लंबा सा थिन प्रोसेस है जो कि उसको रैपिडली आगे लेकर जाएगा वो है एक्सॉन। अल्फा आंसर इज द ऑप्शन, अल्फा ऑप्शन इज द आंसर, दैट आर एक्सॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ डैश इज अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स और बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड अ मसल सेल। अब इनमें से वो जंक्शन क्या कहलाएगा जो दो न्यूरॉन्स के दरमियान में भी हो सकता है, और सम टाइम ये मोटर न्यूरॉन और मसल के दरमियान में भी आपको चीज मिलती है, क्या वो इंपल्स है, साइनैप्स है, एक्सॉन है या क्लेफ्ट है। तो अगेन डायग्राम आपको हेल्प करेगी, डेफिनेटली आपको अगर दो न्यूरॉन्स होंगे तो तब भी उनके दरमियान में गैप को साइनैप्स कहना है, और अगर हम मसल सेल के साथ मोटर न्यूरॉन का कनेक्शन देखें तो उसको भी साइनैप्स कहा जाता है, लेकिन उसको टेक्निकली फिर एक नाम दिया जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अगर ये कुछ होता लिखा हुआ तो हम उसकी तरफ जाते, लेकिन अभी हमारे पास सिंपल सा आंसर है बी टू ऑप्शन, साइनैप्स इज अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स और अ न्यूरॉन एंड अ मसल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एसिटाइलकोलीन एंड नॉरएड्रेनालिन आर टू टाइप्स ऑफ डैश यूज्ड इन नर्वस सिस्टम। पहली बात तो हमने स्टेटमेंट को दो दफा गौर से पढ़ के आंसर लेना है, तब जब हमें समझ आ जाएगी। तो डेफिनेटली आखिर पर जो लिखा हुआ है नर्वस सिस्टम, हमने नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग इनको डिस्कस करना है। तो क्या ये चैनल एंड कैरियर प्रोटीन्स हैं इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन, नो। क्या ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, यस। चार्ली एंजाइम्स नहीं है, और डेल्टा हार्मोन्स इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि उसका ताल्लुक
केमिकल कोऑर्डिनेशन से होता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन से नहीं होता, तो इसलिए इसका आंसर हुआ बीटा ऑप्शन, न्यूरोट्रांसमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द मेन न्यूरोट्रांसमीटर फॉर साइनाप्सिस इज डैश व्हिच लाई आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब आपने ये पढ़ा होता ही, अब जो साइनाप्स का टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स की एग्जांपल आपको दी जाती है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, अल्फा लिखा हुआ है कोलीन, बेसिकली ये नाइट्रोजनस बेस है जो आपने फॉस्फोलिपिड में पढ़ी होती है। एसिटाइल कोलीन इज द न्यूरोट्रांसमीटर, और एसिटाल्डिहाइड भी आप लोग उसको न्यूरोट्रांसमीटर्स की फॉर्म में एज सच नहीं देखते, और फॉस्फेटिडाइल कोलीन बेसिकली फॉस्फोलिपिड की टाइप है जिसको हम लेसिथिन कहते हैं, तो उसी का एक नाम है। तो इसलिए हमारे पास जो इन ऑप्शंस में से आंसर बनता है वो बीटा ऑप्शन एसिटाइल कोलीन, और इसको अगर आप देखें तो साथ डायग्राम में भी आपको नजर आ रही है, एसिटाइल कोलीन ही वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि लाई आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। बाकी जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं दे लाई इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो आंसर है जी बीटा ऑप्शन एसिटाइल कोलीन। क्वेश्चन नंबर 8, इफ स्टिमुलेशन इज अबव डैश इम्पल्सिस ट्रेवल टू ब्रेन अलोंग द सेंसरी न्यूरॉन, यानी कि इम्पल्स ट्रेवल कैस कब करना शुरू करेगी सेंसरी न्यूरॉन से, अगर स्टिमुलेशन इज अबव रेस्टिंग पोटेंशियल होगी या थ्रेशोल्ड होगी या फिर रिकवरी पीरियड या फिर एक्शन पोटेंशियल। अब आप लोग इसमें डायग्राम भी देख सकते हैं, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस उस स्टिमुलस को कहते हैं सो इनफ टू क्रिएट एन एक्शन पोटेंशियल इन अ मोटर न्यूरॉन। तो डेफिनेटली अगर इम्पल्सिस ट्रेवल कर रही हैं टू ब्रेन अलोंग द सेंसरी न्यूरॉन तो फिर स्टिमुलेशन जो है वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से बढ़ गई है, इसलिए फिर वो ब्रेन को मैसेज गया है ताकि फौरन से एक्शन पोटेंशियल को शुरू किया जा सके। तो हमारा आंसर था ये बीटा ऑप्शन थ्रेशोल्ड, सो इम्पल्सिस ट्रेवल टू द ब्रेन अलोंग द सेंसरी न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ इन एन एक्शन पोटेंशियल द परमेबिलिटी ऑफ द सोडियम आयंस इन द न्यूरॉन्स इंक्रीजेस ड्यू टू। अब सोडियम आयंस क्यों जो है वो अलोंग द ग्रेडियंट मूव करना शुरू कर देते हैं और उसकी परमेबिलिटी मेम्ब्रेन की बढ़ जाती है, क्या उसकी रीजन अल्फा द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलीन एसटीरेज एंजाइम है, या सोडियम आयंस फॉर्मिंग एन आयोनिक बॉन्ड, या चार्ली ऑप्शन रिपोलराइजेशन, या डेल्टा ऑप्शन द ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स और गेट्स। अब लंबी लंबी सी स्टेटमेंट से आप कंफ्यूज ना हो, डेल्टा ऑप्शन इज द आंसर, द ओपनिंग ऑफ सोडियम गेट्स। जैसे ये गेट्स ओपन होंगे फॉरन से सोडियम अलोंग द ग्रेडियंट मूव करना शुरू कर देगा, यानी वो परमेबिलिटी बढ़ जाएगी उसकी मेम्ब्रेन की। उससे पहले ये मूव कर रहा था पंपिंग प्रोसेस के थ्रू अगेंस्ट द ग्रेडियंट, लेकिन जैसे ही गेट्स ओपन होंगे तो ये अलोंग द ग्रेडियंट मूव करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द रिफ्लेक्स सेक्शन इज द फिनोमिना विच ओनली इन्वॉल्व्स। अब हमारे पास जो चार ऑप्शन है उसमें रिफ्लेक्स सेक्शन से रिलेट करके हमने लेना नहीं आंसर, इसमें से कौन इसमें शामिल है और कौन शामिल नहीं है। अल्फा, क्या रिसेप्टर्स इफेक्टर्स एंड स्पाइनल कॉर्ड तीनों इन्वॉल्व होते हैं, यस होते हैं। बीटा ऑप्शन, क्या रिसेप्टर न्यूरॉन्स और ब्रेन, ब्रेन का कोई ताल्लुक नहीं है रिफ्लेक्स सेक्शन के साथ, इसलिए चार्ली ऑप्शन पे भी स्टार्ट पर क्योंकि ब्रेन लिखा हुआ है हम इसको भी इग्नोर कर देंगे। और लास्ट ऑप्शन पे अगर ओनली रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स की बात करें और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात ना करें तो ये प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हो सकता, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन से वाला पार्ट साथ इन्वॉल्व होगा, अल्फा ऑप्शन दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। अभी आपको पाथवे भी दिखाई दे रहा है, रिसेप्टर्स का मैसेज गया सेंसरी न्यूरॉन्स की मदद से स्पाइनल कॉर्ड में, वहीं से वापस आ गया मोटर न्यूरॉन्स की मदद से इफेक्टर्स के पास, और साथ ही आपने रिस्पॉन्स शो कर दिया, तो अल्फा इज द आंसर रिसेप्टर्स इफेक्टर्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन अ नर्व इंपल्स जंप्स फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवियर टू द नेक्स्ट इन अ माइलिनेटेड न्यूरॉन, हम उसको क्या बोलेंगे, क्या हम उसको साइनाप्सिस कहेंगे। यू नो कि साइनाप्सिस इज बेसिकली द माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू कंसेक्टिव न्यूरॉन्स, सो दैट्स व्हाई इसका आंसर ये नहीं हो सकता क्योंकि ये जंपिंग इंपल्स की बात पूछी जा रही है, तो क्या वो साल्टेटरी इंपल्स है, यस। रेस्टिंग पोटेंशियल इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि उस वक्त तो इंपल्स होती ही नहीं है, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल में एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है तो ये इंपल्स चल रही होती है, खाली मेम्ब्रेन पोटेंशियल लिखना आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर आप लोग देखेंगे डायग्राम के अकॉर्डिंग भी तो साल्टेटरी कंडक्शन ये आपको जो नोड है जो दो श्वान सेल्स के दरमियान में एरिया होता है वहां से इंपल्स जाती है नेक्स्ट नोड में फिर नेक्स्ट नोड में, तो इस तरह से हम इसको जंपिंग इंपल्स या साल्टेटरी इंपल्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन नर्वस सिस्टम केमिकल मैसेंजर्स आर कॉल्ड, नर्वस सिस्टम में उनको अल्फा ही कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स, क्योंकि हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स हैं इन केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एंडोक्राइन सिस्टम, और कीमोरिसेप्टर्स तो वैसे भी आपको पता है मैसेंजर्स नहीं है एज सच, और डेफिनेटली एंजाइम्स तो बिल्कुल भी नहीं, तो इसका आंसर था अल्फा न्यूरोट्रांसमीटर्स, और न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द मेन केमिकल मैसेंजर्स इन केमिकल इन नर्वस कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
How many sodium ions are pumped out in response to two potassium ions transported into the membrane? तो आपको resting membrane potential की बात पूछी जा रही है. तो कितने sodium ions जब move करके बाहर जा रहे होते हैं तो दो potassium अंदर आते हैं, तो क्या वो दो ही होते हैं, क्या तीन होते हैं, चार होते हैं या एक होता है? तो ये diagram में भी अब आपको जी आसानी से ये बात समझ आ जाएगी, नजर आ रही है कि sodium तीन बाहर जा रहे हैं और उसके कंपैरिजन में दो पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, इसलिए नेट पॉजिटिव चार्ज बाहर ज्यादा हो जाएगा. तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आउटसाइड एरिया इज मोर पॉजिटिव देन इनसाइड एंड इनसाइड इज मोर नेगेटिव देन आउटसाइड. तो आंसर इज द बी ऑप्शन, थ्री सोडियम आयंस विल मूव आउट. क्वेश्चन नंबर 14, टेस्ट बर्ड्स ऑन द टंग आर एग्जाम्पल ऑफ. पहली बात तो इन चार ऑप्शंस में से डेफिनेटली रिसेप्टर्स हैं, लेकिन सबके साथ रिसेप्टर लिखा हुआ है. क्या ये प्रेशर रिसेप्टर है? नो. टेस्ट बर्ड्स का प्रेशर रिसेप्टर से कोई ताल्लुक नहीं है. बीटा ऑप्शन, क्या कीमो रिसेप्टर्स हैं? यस. टेस्ट बर्ड्स हो या आप किसी चीज को स्मेल कर रहे हो, किसी चीज का टेस्ट आपको फील हो रहा हो, तो ऑल ऑफ दीज आर रिलेटेड टू कीमो रिसेप्टर्स. तो बीटा ऑप्शन इसका आंसर होगा जी, कीमो रिसेप्टर. थर्मो रिसेप्टर्स यू नो स्किन के अंदर होते हैं और फोटो रिसेप्टर्स आंखों में होते हैं, तो टंग के अंदर होते हैं कीमो रिसेप्टर्स. क्वेश्चन नंबर 15, ब्लड सोल्यूट पोटेंशियल इज कंट्रोल्ड बाय फॉलोइंग हार्मोन. बेसिकली ये एस्ट्रोजन बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि वो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के हवाले से है. एपिनेफ्रिन एड्रीनालिन का दूसरा नाम है, उसका ब्लड प्रेशर से ताल्लुक होता है. थायरोक्सिन, क्या हीट प्रोडक्शन के साथ उसका, यानी कि इन अदर वर्ड्स कोल्ड के अंदर हीट प्रोडक्शन. तो एक ही ऑप्शन रह गया, वेसोप्रेसिन, विच इज द सेकेंड नेम ऑफ ADH, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन. अब आपको ये नजर आ रहा है ये ऑस्मोरेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है. जैसे ही हमारी ब्लड के अंदर वाटर कम होना शुरू होता है तो ये किडनी के एरिया में, स्पेशली कलेक्टिंग डक्ट्स के एरिया में, वाटर को एब्जॉर्ब करके आपके यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाना शुरू कर देता है. तो डेट्स वाई ये ब्लड सोल्यूट पोटेंशियल को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, नेम दी ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्स. अल्फा इनहिबिटर्स, बीटा रिसेप्टर्स, स्टार्ली न्यूरॉन्स, डेल्टा इफेक्टर्स. आसान सा क्वेश्चन था, रिस्पॉन्स इनमें से चीज कौन सी देगी? डेल्टा ऑप्शन, इफेक्टर्स देंगे. जैसे अब आप लोग को ये पाथवे द्वारा से दिखाई दे रहा है, स्टिमुलस है, वो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा. जैसे हम पानी को जब देखते हैं तो हम स्टिमुलेट होते हैं, फिर उसके बाद हमारा मैसेज ब्रेन को जाता है, ब्रेन के अंदर से मोटर न्यूरॉन वो मैसेज हमारे मसल्स को देते हैं, फिर हम उसको उठा लेते हैं, उस ग्लास को, पानी के ग्लास को. तो डेफिनेटली इस तरह से आप लोगों ने ये एक पाथवे दिखाया जिसमें रिस्पॉन्स किसने दिया, इफेक्टर्स ने रिस्पॉन्स दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अ बैंड ऑफ एक्सॉन्स बिटवीन टू हेमिस्फीयर्स इज टर्म्ड एज. हेमिस्फीयर का मतलब सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स की बात हो रही है. तो सेरिब्रम के दो पार्ट्स हैं, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर. तो उनके दरमियान में जो एक्सॉन्स का बैंड है, क्या हम उसको सेरिब्रम कहेंगे? नो, सेरिब्रम के दरमियान में होता है. बीटा ऑप्शन, क्या हेमिस्फीयर बैंड कहलाएगा? नहीं. चार्ली ऑप्शन, कार्पस ल्यूटियम नहीं उसका आंसर. डेल्टा ऑप्शन इज द आंसर, कार्पस कैलोसम. बिकॉज अब आपको ये नजर आ रहा है कि दो हेमिस्फीयर, लेफ्ट एंड राइट, उनके दरमियान का जो एरिया है वहां पर, जैसे आपको उसने लेबल किया हुआ मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फिशर, तो वहां पर ये आपको एक पूरा बैंड मिलता है एक्सॉन्स का, और इसको हम कहते हैं कार्पस कैलोसम, जिससे राइट साइड का मैसेज लेफ्ट को और लेफ्ट साइड का राइट को भी जा सकता है. तो राइट कंट्रोल्स लेफ्ट एंड लेफ्ट कंट्रोल्स राइट. तो आंसर इज द डेल्टा ऑप्शन, कार्पस कैलोसम. क्वेश्चन नंबर 18, रिफ्लेक्सेस ऑफ आईज आर रिसीव्ड इन. तो रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आइज, आपकी बुक ने पूरा ये सेंटेंस लिखा हुआ है किसके बारे में? क्या हाइपोथैलेमस, क्या फोर ब्रेन, क्या हाइंड ब्रेन या मिड ब्रेन? दैट इज द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन. सो आपका मिड ब्रेन है जी जो आइज की रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है. क्वेश्चन नंबर 19, स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय हाउ मेनी लेयर्स ऑफ मेनिंजेस. जितनी लेयर्स ब्रेन के इर्द गिर्द मेनिंजेस की होती है, उतनी ही लेयर्स मेनिंजेस की स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द होती हैं. तो क्या वो दो हैं, तीन हैं, चार हैं या पांच हैं? अभी आपको डायग्राम में क्लियरली नजर आ रही है वो तीन लेयर्स. तो एक इनर है, फिर एक मिडल है, फिर एक आउटर है. सो देयर आर थ्री मेनिंजेस लेयर्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड फॉर इट्स प्रोटेक्शन एज वेल एज आउटसाइड द ब्रेन फॉर इट्स प्रोटेक्शन. क्वेश्चन नंबर 20, फेलियर टू प्रोड्यूस इंसुलिन लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड. डेफिनेटली इंसुलिन की डेफिशिएंसी की बात पूछी जा रही है, तो क्या वो डायबिटीज इंसिपिडस की तरफ लेकर जाएगी चीज? नहीं. वो ADH की डेफिशिएंसी होती है. क्या क्रेटिनिज्म? नहीं. ये थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी है. कंजेनिटल डिजीज है, बचपन से ही होती है. डायबिटीज मेलिटस, यस. राइट आंसर इज द चार्ली ऑप्शन, डायबिटीज मेलिटस. एंड डेल्टा ऑप्शन, रिकेट्स, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी है. क्वेश्चन नंबर 21, द नर्व इंपल्स विच जंप्स फ्रॉम नोड टू नोड इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स. अभी ये क्वेश्चन पीछे गुजरा तो रिपीट हुआ एक तरह से ये क्वेश्चन. तो हमारा आंसर जी जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम क्या होगा? बीटा ऑप्शन, साल्टेटरी नर्व इंपल्स.
जो कि अगेन अब आपको नजर आ रहा है कि ये नोड एरिया है माइलिन शीथ के दरमियान में, यानी कि जो शवान सेल्स के दरमियान में एरिया होता है जिसको हम नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं, वहां से ये जंप करके नेक्स्ट नोड की तरफ जा रही है, तो इसको हम साल्टेटरी इंपल्स कहेंगे, जबकि बाकी ऑप्शन को हम इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस। अभी हमने डिस्कस किया कि स्पाइनल कॉर्ड हो या ब्रेन हो, इसके इर्द गिर्द यही इसका आंसर है जी, अल्फा 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस होती हैं। अब 1 लेयर नहीं होती, 4 नहीं होती, 2 नहीं होती, ये थोड़ा सा ना अब आपको ये व्यू में कुछ मजीद इंपॉर्टेंट बात पता चल रही है कि आपके ब्रेन को नेचर ने कितना ज्यादा प्रोटेक्ट किया है, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। अगर ये काम करना छोड़ दे तो बिल्कुल सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तो सबसे आउटर एरिया पर स्किन है, उससे पहले हेयर्स हैं, फिर स्किन, फिर उसके अलावा जो आपको 3 लेयर्स नजर आ रही हैं उसमें एक है एपोन्यूरोसिस, फिर उसके बाद फिर पेरियोस्टियम, फिर इसी तरह से बोन का एरिया आएगा जो क्रेनियम एरिया होगा, देन मेनिंजेस आएंगी। और उसमें इन तीनों का नाम अपने नॉलेज में अगर आप रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं, यानी ड्यूरा मैटर, इसी तरह से एरेक्नॉइड, और फिर उसके बाद फिर बाया मैटर। तो ये 3 मेनिंजेस के नाम हैं जो कि आपके ब्रेन के इर्द गिर्द भी हैं और स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द भी हैं। तो आंसर इज द अल्फा 3 लेयर ऑफ मेनिंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाइट मैटर स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ। व्हाइट मैटर आपके ब्रेन में भी होता है, अभी आपको स्पाइनल कॉर्ड की बात पूछी गई है। अल्फा सेंसरी नर्व फाइबर्स होते हैं, बीटा माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं, 4 मोटर नर्व फाइबर्स, या डेल्टा मिक्स्ड नर्व फाइबर्स होते हैं। तो अगर आप देखें नहीं, व्हाइट मैटर का एरिया अब आपको नजर आ रहा है, जो इनर एरिया है वो बटरफ्लाई शेप का ग्रे मैटर है। तो व्हाइट मैटर में लिखा हुआ है कंसिस्टिंग ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स पासिंग टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, यानी यहाँ सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन भी होते हैं, यहाँ मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन भी होते हैं, तो इसलिए इसमें आपको माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स मिलेंगे, आपको यहाँ पर नॉन माइलिनेटेड नहीं मिलेंगे। सो दैट्स व्हाई हमारा आंसर इसमें से क्या हुआ, बीटा ऑप्शन, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। आसान सा वैसे क्वेश्चन है, अल्फा क्या वो लीवर है, बीटा एड्रीनल है, 4 थायराइड है, डेल्टा पैंक्रियास। इसको कुछ लोग लीवर से भी रिलेट कर देते हैं, लेकिन इनमें से हमें बेस्ट ऑप्शन की ही तरफ जाना है। तो अगर आप लोग आंसर लेंगे जी, तो डेल्टा ऑप्शन पैंक्रियास ही आंसर होगा। अब आप लोगों को ये पैंक्रियास का अगेन व्यू नजर आ रहा है, ये एक्सोक्राइन पार्ट है इसका, ये एंडोक्राइन पार्ट है, और इसमें फिर आपको मुख्तलिफ किस्म के सेल्स मिलते हैं जो कि बेसिकली कुछ रिलेट करते हैं आपके एक्सोक्राइन टिश्यू के हवाले से, और कुछ एंडोक्राइन टिश्यू जिसमें अल्फा सेल्स बीटा सेल्स मिलेंगे, उनका इंशाल्लाह आगे आने वाले क्वेश्चंस में जिक्र आएगा, तो फिर हम उसकी दोबारा से बात वहां करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मेड्यूला, सेरिबेलम, पॉन्स या थैलेमस। ये जो पहले 3 पार्ट्स हैं, ये तीनों हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं, और बेसिकली ये हाइंड ब्रेन का पार्ट हमें बताना है। तो डेल्टा ऑप्शन इसका आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 4 ब्रेन है, तो इसका आंसर है जी बीटा ऑप्शन, सेरिबेलम। अब अगर आप देखें तो ये सेरिबेलम की मदद से ही जो बॉडी की पोजिशन है, जो कोऑर्डिनेशन है बॉडी मूवमेंट्स की, और स्पेशली ड्यूरिंग लोकोमोशन चलते हुए, तो वो सेरिबेलम कंट्रोल करता है। और दैट्स व्हाई एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपकी बुक में भी मेंशन है कि सेरिबेलम इज द हाईली डेवलप्ड पार्ट इन बर्ड्स। बर्ड्स के अंदर सबसे ज्यादा ये डेवलप हुआ, क्योंकि सबसे मुश्किल जो लोकोमोशन है वो किसी हद तक फ्लाइट कंसिडर होती है, तो इसलिए बर्ड्स को फ्लाई करते हुए सबसे ज्यादा जो हेल्प करती है चीज वो उसका सेरिबेलम होता है, जो बॉडी की पोजिशनिंग को, स्पेशली उनकी जो मूवमेंट होती है बॉडी की, स्पेशली लोकोमोशन के दौरान, तो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड एंड इंक्लोज्ड इन, क्या वो लंबर वर्टिब्री है? नहीं, वर्टिब्रल कॉलम इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए कॉकिक्स भी वर्टिब्रल कॉलम का लास्ट पार्ट है, और वर्टिब्रल कॉलम तो वैसे भी इसका आंसर नहीं है। तो हमारे पास जो ऑप्शन बच जाता है वो है डेल्टा ऑप्शन, डेट इज क्रेनियम। तो क्रेनियम को दूसरा नाम देते हैं जी ब्रेन केस, ये भी ये जहन में रख लें, और फिर इसके बाद फिर जिसमें क्रेनियम होगा डेफिनेटली उसको क्रेनिएट्स का नाम दिया जाएगा। तो ये जितने भी हमारे पास हायर कॉर्डेट्स हैं उनको हम क्रेनिएट्स कहते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम व्हिच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, डैश हार्मोन इज एंटागोनिस्टिक, मतलब ऑपोजिट फंक्शन करेगा किससे, टू इंसुलिन, एंड कॉजेस इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। सिंपल सा आंसर, अल्फा ही इसका आंसर है जी, ग्लूकागॉन, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे से एंटागोनिस्टिक है। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है और ग्लूकागॉन उसको इंक्रीज करता है, व्हाइल नॉरएपिनेफ्रिन, कैल्सिटोनिन, थायरोक्सिन का इस प्रोसेस से कोई ताल्लुक खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28,
बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंग्रन, जैसे अभी मैं आपको पीछे बता रहा था कि ये पैंक्रियास की बातें हैं, हमने अब इसमें काफी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस करना है। तो बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंग्रन प्रोड्यूस डैश हार्मोन, अगेन वेरी सिंपल आंसर, आंसर इज द बीटा ऑप्शन, इंसुलिन। अब आपको नजर आ रहा है कि जो पैंक्रियास के जो दोनों सेल्स हैं, एक बीटा सेल्स और एक अल्फा सेल्स, तो बीटा सेल्स रिलीज करेंगे इंसुलिन को जो ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करेगा, और अल्फा सेल्स रिलीज करेंगे ग्लूकागॉन को जो ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करेगा। अब कैसे करेगा वो आपने डिटेल पढ़ी होती है जी बुक्स में, कि एक जो है वो ज्यादा उन एक्टिविटीज को ज्यादा कर देगा जिसमें ग्लूकोज यूटिलाइज हो रही है, तो डेट्स वाई ग्लूकोज का लेवल नीचे आएगा। दूसरा उन एक्टिविटीज को स्लो डाउन करेगा, तो और भी इस तरह से ये कई एस्पेक्ट्स हैं जिससे ये काम और ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब इसका आंसर था बीटा, क्वेश्चन नंबर 29। कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवियर टू अनदर इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स इज थ्रू, तो उस कंडक्शन को क्या हाइपर पोलराइजेशन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है, या डीपोलराइजेशन होती है, या साल्ट रेटरी कंडक्शन होती है। तो अगेन बात वही है, फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवियर टू अनदर, दैट इज कॉल्ड एज साल्टेटरी कंडक्शन, हम उसको नाम देते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 30, ये ग्राफ है आपकी बुक में बना हुआ है एक्शन पोटेंशियल से रिलेटेड स्पेशली, तो आपको ये पास्ट पेपर्स में अगेन क्वेश्चन मिलेगा, ये वहां पर आ चुका है, ग्राफ ही की फॉर्म में ग्राफ दिखाया गया था और पूछा गया था कि जो एक्स है जिस तरह से लिखा हुआ है तो ये क्या है, तो इन द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द न्यूरॉन एक्स डिपिक्ट्स, ये हमें किस चीज के बारे में इंडिकेट करता है, क्या डीपोलराइजेशन, क्या पोलराइजेशन, क्या रीपोलराइजेशन, या हाइपर पोलराइजेशन। बेसिकली ये लाइन का ऊपर जाना हमें बताता है कि एक्शन पोटेंशियल शुरू हो गया, और एक्शन पोटेंशियल शुरू होते ही सोडियम गेट्स का मतलब ओपनिंग होना, और उसके बाद फिर डीपोलराइजेशन कंडीशन आ जाना, और जब ये पीक पर पहुंच जाएगा 50 के करीब पहुंचेगा, तो फिर दोबारा से पोटेशियम गेट्स ओपन हो जाएंगे और फिर ये लाइन नीचे आना शुरू होगी। तो हमारा आंसर है एक्स इज एक्चुअली अल्फा डीपोलराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियास सिक्रीट अ हार्मोन नोन एज, बड़ा सिंपल सा आंसर, अभी हमने बीटा सेल्स का पढ़ा था वो इंसुलिन था, तो अब अल्फा सेल है तो अगेन वही डायग्राम हमें हेल्प कर रही है, अल्फा इज द आंसर ग्लूकागॉन, सो अल्फा रिलीजेस अल्फा ग्लूकागॉन। क्वेश्चन नंबर 32, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH वैसोप्रेसिन इज रिलीज्ड फ्रॉम, अब बेसिकली इसको प्रोड्यूस कौन करता है, देखिए चार ऑप्शंस है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। तो आप देख रहे हैं कि सारे डायग्राम के अंदर इसकी प्रोडक्शन हाइपोथैलेमस से हो रही है, बट आपसे ये नहीं पूछा गया, इसलिए स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना जरूरी है। आपसे पूछा गया रिलीज कहाँ से होता है, तो जब वो प्रोड्यूस होता है तो देन आकर वो एक्सॉन एंडिंग में स्टोर हो जाता है, जो कि कहाँ होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसको ब्लड में रिलीज करती है और ये जाता है टुवर्ड किडनी, और वहां पर जाकर ये वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करता है। तो इसलिए इसका आंसर था बीटा ऑप्शन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, चार्ली नहीं था, हाइपोथैलेमस में ये प्रोड्यूस जरूर होता है बट रिलीज इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब करता है। 33, द राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, अभी ये क्वेश्चन पीछे गुजरा, आर कनेक्टेड बाय अ थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स, पहले बैंड ऑफ एक्सॉन था लिखा हुआ स्टेटमेंट में, अब लिखा हुआ है थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर, तो आंसर स्टिल वही है, वो है जी बीटा ऑप्शन कार्पस कैलोसम। डायग्राम भी आपको दोबारा से वही नजर आ रही है कि ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के दरमियान में एक बैंड है एक्सॉन्स का, और इसी को हम लोग बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स भी कह सकते हैं, तो आंसर इज द बीटा ऑप्शन कार्पस कैलोसम। क्वेश्चन नंबर 34, द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच गाइड्स स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशंस एंड मेंटेन्स बॉडी पोजीशन इज कॉल्ड, अगेन मिलता जुलता सा क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन पीछे पूछा गया कि बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल कौन करता है, तो आंसर इज द बीटा ऑप्शन सेरिबेलम, क्योंकि सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है, अगेन ये हाइंड ब्रेन कंट्रोल करता है इन चीजों को, तो आंसर इज द बीटा सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब आप इमरजेंसी सिचुएशंस में होते हैं, कोई शॉक आपको लगे तो डेफिनेटली उस वक्त ही आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाता चलना, तो क्या उस वक्त कंस्ट्रिक्शन हो जाती है ब्रोंकाई की, या डिक्रीज इन हार्ट बीट, या प्रोमोट्स डाइजेशन, इनको उल्ट कर दे, यानी इसका मतलब डिक्रीज नहीं होती हार्ट रेट में, इंक्रीज आ जाता है, और डाइजेशन प्रोमोट नहीं होती बल्कि इनहिबिट होना शुरू हो जाती है, तो इसलिए राइट आंसर इज द डेल्टा ऑप्शन dilates the pupil, जो आपका sympathetic nervous system है। अब आपको ये साथ डायग्राम में नजर आ रही है, sympathetic में आपकी आंखों का साइज बढ़ जाएगा, dilate कर जाएगा आपका pupil,
और जब आप पैरासिम्पथेटिक की बात करेंगे तो उस वक्त ये डिक्रीज होने का मतलब कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी प्यूपल की बजाय डायलेट होने के। तो ये जो दरमियान वाला ब्लैक एरिया आपको यहाँ फैला हुआ नजर आ रहा है ड्यूरिंग सिंपथेटिक, और ये कंस्ट्रिक्शन फॉर्म में यानी छोटा नजर आ रहा है इन पैरासिम्पथेटिक। तो डेल्टा इज द आंसर, डायलेट्स द प्यूपल। 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टीरॉयड हार्मोन। बहुत सारे हार्मोन है जो स्टीरॉयड है, हमें इन चार ऑप्शन में से देखना है, क्या वो ग्लूकागॉन है, नहीं वो प्रोटीन होता है, क्या वो थायरोक्सिन है, नो वो अमीनो एसिड नेचर का होता है, एपिनेफ्रिन भी अमीनो एसिड का डेरिवेटिव होता है, तो इसलिए आंसर बचा हमारे पास डेल्टा ऑप्शन एस्ट्रोजन। तो मैंने जैसे कहा बहुत सारे हैं, तो जितने भी आपके गोनेट से हार्मोन्स निकलते हैं स्पेशली फीमेल के अंदर, जैसे प्रोजेस्टिनोन, एस्ट्रोजन, ये भी स्टीरॉयड नेचर के हैं। फिर एड्रीनल कॉर्टेक्स एरिया से जो रिलीज होते हैं उनको कहा जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, उसमें भी जितने आते हैं वो स्टीरॉयड नेचर के होते हैं। तो डेल्टा इज द आंसर एस्ट्रोजन, जिसका अब आपको बकायदा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जी, आइसोप्रिनॉइड यूनिट, जिसमें 3 हेक्सागोनल रिंग्स हैं, एक पेंटागोनल रिंग है, एंड दैट इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टीरॉयड। क्वेश्चन नंबर 37, थैलेमस एंड सेरिब्रम आर द पार्ट ऑफ। आसान सा क्वेश्चन है, क्या स्पाइनल कॉर्ड, नो दैट आर द पार्ट ऑफ ब्रेन। अब ब्रेन में किसका, फोर ब्रेन का, हाइंड ब्रेन का या मिड ब्रेन का, ये अब आपको सारा ब्रेन दिखाई दे रहा है जी। फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और इसके अलावा फिर ये जो लिम्बिक सिस्टम के पार्ट्स होते हैं यानी हिप्पोकैम्पस और इसी तरह से अमैग्डेला, वो फोर ब्रेन का पार्ट होते हैं। फिर मिड ब्रेन का कोई खास पार्ट हम लिखते नहीं है, रेड्यूस पार्ट होता है, और हाइंड ब्रेन में पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम होते हैं, और फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के बाद। तो हमारे पास आंसर है जी इसका मतलब फिर क्या है, बीटा ऑप्शन, फोर ब्रेन के ये दोनों पार्ट्स हैं। 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकागॉन हार्मोन। ये बात अगेन हो चुकी है जी, ग्लूकागॉन आपके शुगर लेवल को इंक्रीज करेगा। अब कैसे करेगा, इन चार ऑप्शंस में से हमने आंसर लेना है, क्या ग्लूकोज को लिपिड्स में चेंज करेगा, नो उससे ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, इसने बढ़ाना है। ग्लूकोज को प्रोटीन्स में कन्वर्ट करने से भी लेवल बढ़ जाएगा ग्लूकोज का, कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं कम हो जाएगा। और चार्ली, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने से भी ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। तो इसलिए जो ऑप्शन बचा हमारे पास वो है डेल्टा ऑप्शन, ग्लाइकोजन की ये ब्रेकडाउन को ज्यादा कर देता है जिससे ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड में हाई होता है, जो इसका मेन फंक्शन है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 39, केमिकली इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर, बहुत सिंपल क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, क्या प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं या न्यूक्लिक एसिड है, नो प्रोटीन्स हैं। अब ये आपको साथ डायग्राम नजर आ रही है, थोड़ा सा मैं आपके नॉलेज के लिए एक दो बात और बता दूं। इंसुलिन दो चेन्स का बना होता है, ये आपको पता है, बीच में डाइसल्फाइड ब्रिज होता है, एक चेन में आप उसको अल्फा चेन कह सकते हैं, 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और बीटा चेन में 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो एक चेन लंबी होती है और एक चेन छोटी, जबकि ग्लूकागॉन सिंगल चेन होता है, ये मेजर डिफरेंस आप याद रख लें। और इसमें अमाइनो एसिड्स की तादाद आपकी बुक में ऐसा मेंशन नहीं है, बट आप याद रख सकते हैं ये 29, सो देयर आर 29 अमाइनो एसिड्स इन ग्लूकागॉन एंड 51 अमाइनो एसिड्स इंसुलिन विद टू चेन्स, विद अल्फा चेन 21 एंड विद बीटा चेन 30, और टोटल 51 अमाइनो एसिड्स हैं इंसुलिन में और 29 है ग्लूकागॉन में। तो आंसर इज बीटा ऑप्शन, प्रोटीन्स। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, विच ग्रुप ऑफ हार्मोन्स इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको केमिकल नेचर याद है हार्मोन्स की, तो वैसोप्रेसिन और एंटी डायुरेटिक हार्मोन पॉलीपेप्टाइड नेचर के हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन ही वो आंसर है अमीनो एसिड्स और उनके डेरिवेटिव्स। सो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड्स हैं, और इंसुलिन और ग्लूकागॉन प्रोटीन्स हैं। अब साथ आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है नॉर एपिनेफ्रिन का भी और एपिनेफ्रिन का भी, एक आपको नजर आ रहा है उसका नाम लिखा हुआ है एस एडिनोसाइल मिथियोनिन, तो ये मिथियोनिन का डेरिवेटिव है, और इसी तरह से एडिनोसाइल होमोसिस्टीन, तो ये सिस्टीन का डेरिवेटिव है। तो इस तरह से बोथ ऑफ दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड्स। ये तरी सारा कुछ रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। उम्मीद आप लोगों की काफी बातें क्लियर हुई होंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल यूनिट था। मैंने कोशिश की है कि आपको काफी ज्यादा इसमें जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर करूं। तो अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों का स्टिल है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उसके आंसर दूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगेन अपना ख्याल रखिएगा और इंतजार करें नेक्स्ट यूनिट की डिस्कशन का। अल्लाह हाफिज़।